ये टोटल पार्ट जितना सही नज़र रखना पाया, ये टोटल मार्बल है। इसनी कटाई होनी पी है, मशीन लगी वहाँ इस तरीके ने पीस बनने, फिर ये गड्डियाँ लोड हो जाने पे ऐ तको। ठीक है, ये टोटल मार्बल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आतिक रहमान हूं, तुसी देख रहे हो अपना फैमिली YouTube चैनल कश्मीर ब्लॉग। उम्मीद करना ठीक ठाक हो, खैरियत अल्लाह ताला पाक ने हिफ्ज़ो अमानी चसो। आज जैसा कि पता तुसा की असन दूसरा रोजा और वादी नीलम तो बट अस पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह मौसम भी बड़ा प्यारा है। लास्ट वीडियो तुसा की जेडी अस दसी सी वो बाय रोड जिसे जिन रस्ते जैसे गुजरी ते इथे पहुंचे ओले खूबसूरत मंदिर से। आज इस वक्त अस इथे पहुंचे हैं, अगर असन कैमरामैन से दसी सकन माशाल्लाह खूबसूरती काफी ज्यादा है। तक नहीं इस साइड पर सनो भाई जान मौजूद है, वो आखने अगर खूबसूरत जगह है उस साइड में जसा, सो उठा जुली के खूबसूरत नज़ारे दसा हूँ। असल नाल भाई और मौजूद है गड्डिया ने, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही साढ़े नाल मौजूद से असा कि इतना दूसरी जगह ना ये विजिट कराने पे, तो हूँ जुले असा टाइम क्या कि वो शॉर्ट है और मौसम बारिश आना है। उस तू पहले पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए असा अपनी वीडियो ना बकायदा आगाज कर। माशाल्लाह ए नज़ारे तुस देखो खूबसूरत, नीचे दरिया नीलम गुजरना पाया असा उतें भी पहुँचने और माशाल्लाह खूबसूरती तुसने सामने है। और इस साइड पर कुछ बहने वाले की जगह बनती भी है, तो इतने तुस दसने कि इस तरीके ना घा जरा पंडा बिच बनी के खाने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? से ठीक है, माशाल्लाह। किस जगह सुखा तुसा आंदा? जंगल से। अच्छा, जंगल से। वैसे कौन सी आपकी जुबान है यहाँ की? इधर गिलगिती। गिलगिती? गिलगिती। थोड़ा सा आप हमें बताएं ना आपने, हम ठीक है इस तरह वो जो आपकी जुबान है उसमें बताएं, या इसके बारे में बताएं, इस जगह के बारे में थोड़ा सा अपनी जुबान में बताएं ना। यानी तावट। जी जी। तो हाँ, जबरदस्त। इसका क्या मतलब भाई? ये तावट है और खूबसूरत है, जबरदस्त है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये ने पार जंगल है। पार जंगल है, माशाल्लाह। तो ये जो घास आप लेकर आए, तो इसका मतलब क्या करना है? ये गायों को डालना है, चाल को। नहीं, चाल को जो बर्फ आती है ना। अच्छा अच्छा, बर्फ के टाइम। तो यहाँ बर्फ कितना टाइम रहती है इधर? ये तकरीबन 5 महीने रहती है। 5 महीने। कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है? तो बस अभी जनवरी या 12वें महीने में तक शुरू हो जाएगा। अच्छा, 12वें महीने तक शुरू। तो कितने फुट तक बर्फ पड़ती है इधर? 11 फुट तक आ जाती है। 11 फुट तक। तो उस टाइम आप घरों के अंदर रहते हैं, तो सर्दी की क्या सिचुएशन होती है? बस इधर बस लकड़ निकालते हैं। ठीक है। और 6 महीने डैम करते हैं। अच्छा, मतलब मुकम्मल तौर पर आप अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते? बिल्कुल, हम तो जाते हैं वैसे मजदूरी के लिए हम। अच्छा, तो मजदूरी क्या है आपकी इधर? जी जी, इधर बस ये जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपकी लाइफ कैसी गुजरी है? आप अच्छा सा लगता है आपको कि आप इधर हैं, या इसकी निस्बत आप शहर में जाना पसंद करते हैं? बस जो पुराने लोग थे वो तो इधर पहले पसंद करते थे। जी जी। हम कहते जी हमारी जमीन है इधर ही। जी जी। हमारी रहायश नहीं नीचे, ना कोई ऐसा कोई मकान है नीचे, ना कोई है। अच्छा अच्छा,
ठीक है भाई जान, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बारिश स्टार्ट है, आप भी अपने घर की तरफ जाएं, तो हम भी निकलते हैं। अच्छा भाई जान, एक क्या चीज़ है? कौन सा? ये वाला, ये गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस है? अच्छा अच्छा, गेस्टों के बैठने की जगह है। अच्छा, तो ये नीचे ये भी वैसे ही बना हुआ है? जी जी, ये पुल बना हुआ है, आधा पुल है, इस पुल के ऊपर जाके पिक्चर बनाते हैं लोग। अच्छा, ये वो वाला पुल है? ठीक है, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। तो आगे और कौन सी जगह है? ये फ्रेश फार्म है आगे। अच्छा, फ्रेश फार्म है जी, ठीक हो गया जी। ये वो पुल है जिसमें तुसा बेशुमार तस्वीर वगैरह भी तकियां सुन, बेशुमार मौजूद हैं, मुख्तलिफ इतों एंगल नाल तस्वीर बनाई जानी हैं, नाल इतने बहने की जगह भी बनती हुई है। और इसके तुसें दसने कि इसने पर फटे वगैरह भी लगे, फटिया ना बनते हैं, लकड़ी ना सारा बनते हैं, ठीक है। और नीचे दरिया, दरिया ने भी खूबसूरत मंजर। बारिश स्टार्ट हो गई है, अगर बारिश स्टार्ट ना होनी तो असं इंशाल्लाह इतने कोशिश ये कि असं ड्रोन की छोड़ी के कुछ तस्वीर भी बना सा, पर बारिश ने कुछ जरा सीन इस तरीके ने चलने पे आसमान पर तक ही सकने हो कि अन करीब ज़्यादा भी बारिश हो ही सकनी है। बाकी इस साइड पर कुछ दरख्त है, ये भाई को पूछ सकते इन्होंने कह ना आया कि इतने ऐसे दरख्त असं तक नहीं मिलने पे जो टोटल डिफरेंट है, जिन्हें असं अज दिन तक तकिया भी नहीं है। इन्होंने पत्ते पीले होने जाने, ठीक है, येलो कलर में होने जाने, जो कि अगर मौसम में हजा में खूबसूरत सू ज़्यादा और खूबसूरत लग सौ किसने पर पंजा बंद सू ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि इतना वजन फटे शटे लगे हुए ना जड़े, कोई पता नहीं होना गिरी भी सकना या कोई टूटी भी सकना या, तो इस वजह से पंज बंदे ही जाई सकने। दूसरा इस साइड पर तुम बेही सकने हो, यह चेयर बनती हैं, टेबल वगैरह लगते लगे आ, और इस साइड पर भी जगह कुछ बनती है। वो पार्स एक पोस्टर लगे आ, उसने पर झुलने आ, इतने ने कुछ बर्फबारी ने जो सीन है ना वो माशाल्लाह, तो बट इन विंटर के बारिश के बर्फबारी ने मौसम में इसने किस तरीके ने खूबसूरत सीन होने, आता कह सकते हो, ऐ तको जी जिला इतना बर्फबारी पे भी होनी है तो ऐ सीन इतने ने होने, क्योंकि बर्फबारी में हर बंदा तो इतना आ ही नहीं सकना। और क्लीन एंड ग्रीन, इतने डस्टबिन मौजूद है, तौबाट आज़ाद कश्मीर ना और वादी नीलम आखिरी गाँव है, क्योंकि इस तो दूसरी साइड पर असा ना दूसरा कश्मीर है, इस तू अगे कोई आज़ाद कश्मीर ना दूसरा गाँव कोई नहीं है, ग्रां कोई नहीं है, इतने खत्म हो जाने बस इतने तक समझ लो कि आखिरी आद है। शाम ने टाइम तौबाट ने हसीन मंजर, और इस साइड पर एक जीप है, और जीप पर मकई है या कोई और फसल है जुल्ले पता करने है। लोडिंग हो रही है बारिश की वजह से, इसकी लोड करी तो कार जा रहा सुन। अस्सलाम वालेकुम, कह सकते जी मकई है, और 4x4 इतना जीपा इस्तेमाल की जानी है, यहाँ तक कह सकते हो। यह खूबसूरत मंदिर, इतने ये बूटा आ सेब का, ये सेब है ये आला बूटा पूरे ना पूरा, ये अखरोट ना नीचे बूटा आ। इस साइड पर छोटे गेम खेली थे कोई, और वादी नीलम ज़्यादा मशहूर है इस दरिया ने नीले पानी नहीं वजह से, ठीक है, और दूसरा खूबसूरती उस पुल नहीं वजह से भी काफ़ी जरा ज़्यादा एक्सप्लोर हुई है, वो पुल भी काफ़ी मशहूर होया। और इस अखरोट नाल अखरोट वगैरह तो नहीं लगे कोई अजय छोटा आया, और खूबसूरत पहाड़ियाँ ने खूबसूरत मंदिर, असली असं थोड़े जे लेट हो गया, अगर दिन ने टाइम पहुँची सकने तो फिर असा की मजीद और असा की चीज़ा दरियाफत हो सकनी असियाँ, क्योंकि इतने मुकामी बंद को असकी पता चली जाइए, क्योंकि हम असा लेट हो चुके हैं, अगर असा बंद की लोड़ी के पता करने रहे फिर असा ये मंजर भी असा कैच नहीं करी सकने, इस वजह से असा आज वक्त ही यही करने, नेक्स्ट टाइम आया तो तुसा की असा इन जगह ने अंदर जितनी भी चीज़ा हुई तुसा दसा। और मकई तकी सकने अस जी, खुश आमदीद इस साइड पर अंदर है तकने
लगना कि गेट बंद है। अच्छा भाई साहब, इतना मच्छी वाला आया कि नहीं है? है अंदर जान देने? नहीं अंदर जान देने कि नहीं? अभी कोई नहीं है। अच्छा चलो असा तुसें बाहर सूए खाली उसना खूबसूरत जा व्यू दसी छोड़ने। बाकी इधर मनका विजिट करना गैर मुआइना मुद्दत तक के लिए बंद है। अच्छा कुछ टाइम वास्ते बंद है, ठीक है। इस वजह से तुसें यह दसी छोड़ने अंदर माशाल्लाह खूबसूरती है खाली दसनी ना असा, और तो कुछ भी ना मजीद दसी सकने। तो अच्छी बात है, कुछ वजूहत असन जिन्होंने वजह से बंद है और असा तुसें खूबसूरती दसनी सी। माशाल्लाह खूबसूरती इत्थे है ही है। तको भाई और आई दे और इना तकी सकने कितनी बड़ी पानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? ऐ तको जी जानवर वास्ते चारा जनाना सेव किता जा रहा क्योंकि टाइम इन्होंने को बहुत शॉर्ट है और इन्हों पंजा महीने वास्ते राशन सेव करना आया क्योंकि 12वें महीने च बर्फ स्टार्ट हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सर पहुंच गए? ठीक हो आप? तो हमसे तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले निकले। क्या हुआ? ओके ट्रक खराब हो गया। किस जगह में? पता नहीं यार कौन सा गांव था वहां पर ट्रक खराब हो गया, उसने इतना टाइम लगाया। नहीं मैंने तो आपको जनवे पे जहां पे आपने स्टे की थी ना चेशे, वहां तो वो किधर गया? अच्छा कहां से हैं आप भाई? अच्छा अच्छा बुरी है। अच्छा तो स्टे करनी है वापस जाना? नहीं अभी इधर से वापस जाना है, ठीक है। जान आ जाओ हम साथ। नहीं अभी हम विजिट करते हैं ना, ये नीचे चल चल के देखते हैं ये क्या। हाँ बिल्कुल जी, यही नीचे वाला बनाना है। शाम हो चुकी है और शाम ने टाइम ने क्या खूबसूरत मंजर है। असन जीप सी तो हूँ वापस असा सफर उसी केलनी तरफ क्योंकि असा स्टे उत्थे किते आ और बाकी सेम ही है, मकान वगैरह इतने सेम ही है, खाली खूबसूरती जी है सी उसकी दसी। और शाम पे चुकी है इतने रात ने यह मंजर असा इतने तो बाटी सी साढ़े जो ड्राइवर भाई है हूँ रात पी चुकी है। टाइम इतने हुई गए भाई 7:20 रहने पे, ठीक है। इतने गेस्ट हाउस असा यह चलो क्योंकि असा तो इतने रहने स्टे ना करने राती असा वापस चले जा सकते जो असने भैन भरा तकने वाले उन्होंने फॉर इनफॉर्मेशन असा चलो इतने जो गेस्ट रूम है वह दसी छोड़ने नाल इतने क्या कुछ मतलब प्राइस चलनी पी है एक कमरे की डबल बैड कितनी है या 4 बैड कितने मिली जाना है नाल असा ने भाई सन उन्हें इतने आयो तुम कश्मीरी चाह ना पियो इतने नहीं तो हो ही नहीं सकना। तो बाकी इतने ने बंदे यकीन करो बहुत अच्छे ने, जितनी इन्होंने तारीफ करा उतनी कम है, बहुत ज्यादा तावन करने तुसा और इतने इखलाक आए बंदे इतने प्यारे इतने खलूस करने वाले बंदे बहुत कम ही मिलने ने। वह इन इलाके हर जगह च थोड़े बहुत होने ऐसी गल नहीं होनी पर अक्सरीयत बंदे अच्छे आई जो फैजम भाई अगर जुले हैं गैसट हाउस वाले पास है। ये गाड़ी लेकर आए लगी नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं लगी यार, सीरियस इस पुल से पार जा सकती है? ये वाला सामने वाला नहीं जाना यार, अनबिलीवेबल। ये नहीं हो सकता यार, ये बात तो हमारी देश की ऊंची है मैंने कि हां ये हमारी बातें नहीं समझ रहे। जब भी पिया भी वैसा मुल्तान से है ये उर्दू से भाई हमारी बात हम तो कश्मीर के ही है लेकिन ये गाड़ी इधर से आया गाड़ी मेरे मालिक ने निकाला यार आगे वाली तो सरप्राइज है भाई सरप्राइज माशाल्लाह जी नई गाड़ी और इस तरह लॉक मार दिया मान गए बहुत वाला गुड हो गया भाई मान गए भाई मान गए और बन दिया ये बढ़िया जबरदस्त है। कैसे भाई आराम से आराम आराम से ऊपर दो बंदे हैं बस। अच्छा ये क्या है होटल है गेस्ट रूम है रहने के? अच्छा गेस्ट कमरे हाय हाय जी भाई जी क्या रेट है इसका? सीधे सादे कमरे चेक कर सकते हैं।
मैट्रेस लगे हुए ठीक है और जबरदस्त कमरे है जी माशाल्लाह बेहतरीन है जबरदस्त शुक्र हो गया ये रूम साहब ये रूम अच्छे हैं बाकी का तो नहीं कह सकते इधर की तो गारंटी है इंशाल्लाह देंगे कोई मसला नहीं फुल गारंटी जी जी फुल गारंटी इस गेस्ट हाउस यहाँ यहाँ क्या प्राइस है एक कमरे की इस मतलब फोर मैट्रेस वाला जी ये एक कमरे की कितनी प्राइस है इसकी प्राइस सुनाओ भाई क्या है ये वाली बाहर आती और प्राइस भी इंशाल्लाह सबसे फिर भी इनकी जो देख रहे हैं बंदे वो इधर आएंगे ना विजिट करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे देखी जाती है हमारी ऑडियंस देखने वाली वो ये चीज बाकी रूमों पे जाए ना 3,000, 4,000, 5,000 कमरा मिल रहा है बाकी रूमों में 100 रुपए चाय का कप मिल रहा है अच्छा और इधर आपको चाय भी खाने पीने की हर चीज इस गेस्ट हाउस से आपको मुनासिब किसी जगह पे नहीं मिलेगा फिर भी मैक्सिमम आप एक कमरे में 1500 रुपया हाँ माशाल्लाह और चेक कर देखे इसके साथ वॉशरूम वॉशरूम वाला ये सामने वॉशरूम वाला वॉशरूम नहीं है इन दोनों में वॉशरूम नहीं टच बाहर अच्छा वॉशरूम जो साथ घूमने का होगा वो 2,000 लेते हैं ठीक है जी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपके रूम हमें बहुत पसंद आया ठीक है आप चेक रेटिंग सब चेक कर सकते हैं वॉशरूम की हर चीज इंशाल्लाह कोई नहीं देखे बस ये चाह तैयार होगी है पिंक चाह माशाल्लाह जिसकी गुलाबी चाबी आया जाना है और इसने बिच मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट पे ने और इसने च एक स्पेशल पत्ती होनी है वैसे असर ने नडियाल ने अंदर या मीरपुर ने अंदर उसने च कलर वाइज है बनाने पर इतने एक स्पेशल पत्ती है जी राजा बाजार चु मिली जानी वो इसने च बाई के बनाने और हूँ इसकी पीसों तो पता चलती वैसे तारीफ तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सुनती है कि बहुत मज़े लिए होनी है ये हम जो यहाँ बेसिकली कश्मीर के लोग हैं वो हम नमक डाल के पीते हैं जी जी लेकिन जो हमारे पंजाब से मेहमान हैं अक्सर आते हैं वो इसको चीनी डाल के पीते हैं हाँ बिल्कुल शक्कर या चीनी तो आप दोनों में आपके सामने रखता हूँ अच्छा जो आपको अच्छा लगे मेरे ख्याल में उस हिसाब से ठीक है मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं किया शक्कर और नमक वाली कोई चीज़ बाकी आपका जो फ्लेवर है वो है इसके अंदर अच्छा उसका जायका आप ले लें अच्छा पहले वैसे घोट ले लें तो आपको वैसे भी अच्छा लगेगा उसके बाद फिर चीनी या नमक ठीक है जी माशाल्लाह ये बनती दूध में है दूध में हाँ बनती दूध में मतलब पानी वगैरह नहीं है बिल्कुल पानी इसमें सिर्फ इतना होगा जिससे वो रंग निकला होगा हल्का सा मतलब आधा इस पूरे में आधा कप से वो रंग निकलेगा क्योंकि रंग निकालने के लिए बहुत कम पानी डालना अच्छा अच्छा जी जी लाइट नहीं चली अच्छा मैं चाह पहुंचिए जी माशाल्लाह थैंक यू जी गोंद लेने के बाद ना फिर आप जो चीनी करें ठीक है या इसमें फिर ये था वो तो समझ रहा हूँ